हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो का जो प्रीव्यू लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो की जो एडिटिंग है अपन करेंगे अलाइड मोशन के अंदर, ठीक है। तो अलाइड मोशन को सिंपली आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने से पहले आपको एक एक्सएमएल मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड करना है और इंपोर्ट कर लेना है अलाइड मोशन के अंदर। तो इंपोर्ट कैसे करना है आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। वैसे इस अलाइड मोशन के ऊपर और एक्सएमएल को इंपोर्ट कैसे करना है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, फिर कमेंट मत करना है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या फिर इंपोर्ट नहीं हो रहा है या ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ध्यान से सुनो, आपका जो एक्सएमएल है वो जिस भी फाइल में डाउनलोड होता है, ध्यान से सुनो, जिस भी फाइल या फोल्डर में डाउनलोड होता है वहाँ पे चले जाना है और उसको सिलेक्ट करके सिंपली आपको शेयर कर देना है अलाइड मोशन के अंदर। जैसे आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम में कोई फोटोज वीडियो शेयर करते हो, उसी टाइप से आपको शेयर कर लेना है एक्सएमएल को, ओके। शेयर करने के बाद आपका जो अलाइड मोशन है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, आपको बाद में ओपन करना है और अलाइड मोशन के अंदर जाना है। कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा, आपको प्रोजेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा आपका एक्सएमएल, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलेगी, आपको इसके अंदर कोई भी छेड़खानी वगैरह नहीं करना है, ठीक है। आपको इसके अंदर सिंपली अपनी वीडियो क्लिप को ऐड करना है और अपने सॉन्ग को ऐड करना है, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सॉन्ग को कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और व्यू ऑल पे क्लिक करके आपका जिस भी फोल्डर में सॉन्ग होता है डाउनलोड, वहाँ से आपको सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी ऐड कर लेता हूँ फटाफट से, ओके। तो आपका सॉन्ग कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस सॉन्ग को आप टॉप पे रख सकते हो या फिर ये जो आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ड्रैग करके आपको सबसे लास्ट में लेके चले जाना है, ठीक है। सॉन्ग आप लास्ट में ऐड कर सकते हो या फिर टॉप पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने सॉन्ग को ही ऐड करना है, ओके गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो क्लिप को ऐड करना है, ठीक है, फ्री फायर की जो इमोट है उनको ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर जिस भी फोल्डर में डाउनलोड होता है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप फोल्डर को चूज़ करके अपनी वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से अपनी वीडियो क्लिप को ऐड करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या करना है, ओके गाइज। अपना इमोट जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। तो तीनों इमोट्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, ओके गाइज। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो तीनों इमोट जो है आपको एक ही साथ मिलेंगे। अब आपको इन इमोट्स को एडजस्ट करना है अपने सॉन्ग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो एडम का इमोट है ये आपको कहाँ तक रखना है, ये जो रेड लाइन दिख रही है वर्टिकली, ये अपनी बीट है, ठीक है, इसके अंदर अलाइड मोशन के अंदर। तो इस बीट पे आपको सिंपली क्लिक करना है रेड लाइन पे, तो आप इसके बीट पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। ये आपको जितनी भी रेड लाइन दिख रही वर्टिकली ये सारी अपनी बीट्स है, ठीक है। तो मैंने इनको इस तरह से मार्क कर रखा है, ओके गाइस। तो आपको फर्स्ट रेड लाइन पे आपको क्लिक करना है और अपनी वीडियो क्लिप क्लिक करना है जो फ्री फायर की इमोट वाली क्लिप है, और इसको यहाँ से बीच से आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि ये जो इमोट आप देख रहे हो सेम इमोट आपको आगे मिलेगा, बट इसका जो बंडल है वो चेंज रहेगा, ठीक है। तो इस बीट से अपने को इसका बंडल चेंज करना है सेम इमोट के साथ, ठीक है, मतलब कि यहाँ से अपना ट्रांजिशन होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर बनेगा इस बीट से, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, आगे की तरफ जाना है, सेम पोजीशन देखना है, ठीक है। तो अपनी सेम पोजीशन कहाँ पे आ रही है, देखो अभी तो अपना नॉर्मल प्ले हो रहा है पहले जैसा, और ये रही अपनी सेम पोजीशन, ठीक है, जहाँ से अपनों ने स्प्लिट किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आगे वाला सीन आपको दिख रहा है ट्रिम का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो आगे से कट हो गया, अब आपको अपनी वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपको आगे की तरफ ड्रैग करना है और अपने कहाँ तक आना है, फर्स्ट बीट तक आना है, ठीक है, फर्स्ट बीट रेड लाइन पे आपको आ जाना है, ठीक है, रेड लाइन पे आपको आ जाना है और ये जो आइकन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आप इस फर्स्ट बीट तक आपकी क्लिप जो है आ जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हो। और देख सकते हो यहाँ से अपना बंडल जो है चेंज हो गया, ठीक है, इस इफेक्ट के साथ, बीट के साथ, ठीक है। जब आप इसको प्ले करोगे तो बहुत ही अमेजिंग आपको लगेगा, ठीक है गाइस। अब आपको ये जो इमोट है कहाँ तक रखना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डबल बीट को ऐड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो बीच वाली डबल बीट है यहाँ पे इसके फर्स्ट बीट पे आ जाना है, इस इमोट को आपको यहीं तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है इमोट वाली,
और यहाँ से इसको कर देना है स्प्लिट। ठीक है, अब अपने को थर्ड इमोट चाहिए जो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आगे ड्रैग करना है। ये देखो, ये अपना तीसरा इमोट है। ठीक है, तो आपको इसकी पोजीशन देख लेना है कि कहाँ से आपको इस इमोट को लेना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे इमोट्स को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस पोजीशन पे आ जाना है, इमोट का हाथ देख सकते हो ऊपर की तरफ है, और इसको आपको आगे से ट्रिम कर देना है। पिछले इमोट में किया था वैसे इसको इसके साथ करना है। ठीक है, फिर आगे की तरफ जाना है, और कहाँ तक है वो इमोट अपना, यहाँ तक बीच वाली जो दो बीट है आप देख सकते हो आ गया। ठीक है, और इस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली अपनी वीडियो क्लिप जो है इस बीट पॉइंट पर आ जाएगी। ओके गाइस, अब अपने को इतना तो चाहिए नहीं इमोट। ठीक है, क्योंकि अपना सॉन्ग जो है इतना ही है, अपनी वीडियो क्लिप के जितने भी फिल्टर इफेक्ट है यहीं तक है। ठीक है, अब मैंने अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखे, तो जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है अपने इमोट का, आपको इसे पीछे से ट्रिम कर देना है। ठीक है, जितना अपने को चाहिए उतना ही अपने को रखना है इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों कि ये जितनी भी बीट दिख रही है आपको, ठीक है, इन बीट पे आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, मतलब कि हर एक बीट पे आपको क्लिक करना है और छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जो आपको एरो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो सेकंड बीट पे आप ऑटोमेटिक चले जाओगे। ठीक है, तो आपको अपनी क्लिप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये टुकड़े हो गए आप देख सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट बीट पे आए, फिर से टुकड़ा करना है। ठीक है, और फिर से आपको एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बीट पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों दो बीट है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाली बीट से ही इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, सेकंड वाली मत करना है। ठीक है, अब आपको इसी तरह से जितनी बीट पॉइंट है आपको यहाँ से स्प्लिट लगा देना है। ठीक है, इस छोटे छोटे टुकड़े कर देना है कुछ इस टाइप से, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो टुकड़े हो चुके हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको आ जाना है फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट अपना जो एडम का इमोट है इस पर आ जाना है, और यहाँ पे आपको ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ठीक है, जैसा आपने सॉन्ग को नीचे ड्रैग किया था उसी तरह से आपको इस एडम की जो क्लिप है इसे आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, अपने सॉन्ग के जस्ट ऊपर रखना है। ठीक है, ये अपना सॉन्ग है, इसके जस्ट ऊपर रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये डोर टाइप जो इफेक्ट आपको दिख रहा होगा ये अप्लाई हो चुका है। बट गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लेयर है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगी, तो यहाँ पे आपकी ब्लू लेयर दिखेगी। यहाँ पे मेरी वीडियो क्लिप ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, तो आपके पास नहीं होगी तो आपको यहाँ पे ब्लू लेयर दिखेगी, मेरी जो लेयर है वो अपनी वीडियो क्लिप की लेयर जैसी दिख रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके जो भी इफेक्ट है, ठीक है, तो इस वाली लेयर पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर आइकन देख सकते हो, आपको इस तरह से क्रॉस का आइकन बना हुआ दिखेगा, तो इस वाली क्लिप पर आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, और इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और इसके जितने भी इफेक्ट हैं आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, बैक जाना है, और अपनी जो एडम वाली क्लिप है इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और पेस्ट इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और बैक आना है। अब क्या करना है, अपनी जो खाली लेयर है, ठीक है, इसके इफेक्ट अपनों ने कॉपी कर लिए और पेस्ट भी कर लिए, तो इसको आप अब कर लेना है डिलीट। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, इसे आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपनी जो क्लिप है कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, इसके अंदर जो भी शेक का इफेक्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको आगे की तरफ ड्रैग करना है, और यहाँ पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक ब्लू लेयर दिखेगी इस टाइप से, छोटा सा टुकड़ा दिखेगा। ठीक है, ब्लू लेयर का ये आपके पास होगी नहीं है। ठीक है, तो अपनों ने जो टुकड़े कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जो टुकड़ा दिख रहा है अपने को इसे भी ड्रैग करके नीचे तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ आपको होल्ड लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और इसी तरह से आपको ड्रैग करके उस लेयर के नीचे रखना है जस्ट। ठीक है, ये जो लेयर है टुकड़ा, देखो इसकी साइज का ही बराबर, तो इसके जस्ट नीचे रखना है, और आपको जो क्लिप ये ऊपर वाली इस पर क्लिक करना है, ब्लू लेयर, ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करना है, बैक जाना है, और अपनी जो क्लिप है फ्री फायर की इमोट इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और पेस्ट इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसके जितने भी इफेक्ट हैं वो इसके अंदर पेस्ट हो जाएंगे, मतलब कि इसका जो कलर ग्रेडिंग है वो तो अप्लाई हो जाएगा, बट इसके अंदर जो शेक का इफेक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। इसको अप्लाई करवाने के लिए अपन ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने उसको डिलीट कर दिया है, तो आप देख सकते हो ये कितना अमेजिंग लगने लग गया है, देख सकते हो इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका शेक का इफेक्ट है, जो लाइनिंग का इफेक्ट है, ये भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाली क्लिप पे आना है, फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, और देख सकते हो ये जितने भी टुकड़े हैं आपको इन सभी को नीचे की तरफ लेके जाना है, और इसी तरह से आपको कॉपी पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, लेफ्ट या राइट नीचे कर लेके जाना है, और इस लेयर के जस्ट नीचे लाना है, और इसके जितने भी इफेक्ट हैं आपको क्या करना है, कॉपी करना है, इस तरह से कॉपी इफेक्ट, बैक जाना है, नीचे वाली क्लिप पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट, थ्री डॉट पे क्लिक करना है,
और पेस्ट इफेक्ट, ठीक है, और बेक जाना है, बेक जाना है। इसी तरह से आपको इन सभी पे अप्लाई कर देना है, इस ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है टुकड़े को और इसके इफेक्ट इसके अंदर पेस्ट करना है और इस वाली लेयर को आपको कर देना है डिलीट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं फटाफट से अप्लाई कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने सभी पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। यहाँ पे सारा काम अपना खत्म हो चुका है। ये जो आइकन दिख रहा है आपको, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली आपको एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और समझ में नहीं आया है तो भी आप कॉमेंट करके बता देना है, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।